The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे, राजी खुशी होंगे। अगर थोड़े बहुत बीमार भी हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। आज बात करेंगे हम कि रात को खांसी क्यों बढ़ जाती है, Why your cough gets worse at night, असा कसा अस्ते काय, मतलब उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों है, कैसे हैं, सब बात करेंगे आज, सारी डिटेल। उसको ट्रीट करना है तो कैसे करना है, उसकी रेमेडीज़ क्या है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, कब अस्पताल में भागना पड़ेगा, कब नहीं भागना पड़ेगा, सारी इच्छा शक्ति रखिए, बात करते हैं सारी फटफट फटाक। सो अगर आपका खांसी, आपके सांस फूल रहा है और रात को ज़्यादा हो रहा है, तो ये बात याद रख लीजिए कि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहले तो ये समझना है कि कोल्ड एंड फ्लू जो है वो आपके शरीर में बलगम ज्यादा बनाता है, एक्सेस ऑफ म्यूकस। सो जब आप लेटते हो तो क्या होता है, तो ये म्यूकस जो है आपके गर्दन से धीरे धीरे ड्रिप होता रहता है और यहां पर वो एक कफ रिफ्लेक्स बना सकता है जब आप लेटे हो। तो इसका एक कारण कोल्ड फ्लू और एक्सेस म्यूकस हो सकता है। अब ये कफ जो है इसका काम क्या है कि ये म्यूकस को, बलगम को बाहर निकालना, तो उसको बोलते हैं वेट कफ, प्रोडक्टिव कफ, ठीक है, इसको बोलते हैं। ये जो म्यूकस अगर बाहर नहीं आ रहा तो उसको बोलते हैं ड्राई कफ, यानी नॉन प्रोडक्टिव कफ। तो रात में क्या होता है, कफिंग रात को अगर हो तो इससे एक तो आपको नींद नहीं आएगी भैया, एक तो आपकी लाइफ क्वालिटी, मतलब नींद नहीं आएगी तो हर हमेशा चिड़े हुए रहोगे, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो नाइट टाइम का ड्राई कफ और ज़्यादा दिक्कत है। सो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन इज एन इन्फेक्शन। भाई साहब वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द ड्राई कफ इज बिकॉज ऑफ यानी कॉमन कोल्ड, फ्लू, कोरोना, इन्फ्लुएंजा, फलाना ढमकाना टमकाना, सारे के सारे वायरल इन्फेक्शन कैन कॉज ड्राई कफ। अब एक्यूट केस में एक हफ्ते तक आपको ड्राई कफ रहेगा, लेकिन कई सारे लोगों को वायरल इन्फेक्शन, चाहे कोई भी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे फ्लू हो, ठीक होने के बाद भी कुछ हफ्तों तक या महीनों तक लिंगरिंग इफेक्ट रह सकता है, यानी ड्राई कफ रह सकता है। भाई कोरोना नेगेटिव भी आ गया या ठीक भी हो गया, तब भी आपको कफ हो रहा है, रात में दिक्कत हो रही है, दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नाउ दिस कैन बी देयर जस्ट लाइक कहीं पर कुछ इशू होता है, कभी वायरस आया, थोड़ा बहुत डैमेज किया, ठीक हो गए आप, लेकिन डैमेज तो है, उसको हील होने को समय तो लगेगा। ऐसी है, थोड़ा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट करके गया हो, इरिटेट करके गया, दिक्कत करके गया, तो दैट कैन कॉज अ प्रॉब्लम। तो वो क्या हो जाए, वो थोड़ा रॉ है, सेंसिटिव है, उसके ऊपर थोड़ा सा भी इरिटेशन होता है, मुंह खोल के ठंडी हवा या फिर म्यूकस, तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम, राइट, दैट इज दैट। सो ड्राई कफ कैन लास्ट फॉर वीक्स आफ्टर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो एक कारण हो गया पोस्ट वायरल, इसको बोलेंगे पोस्ट वायरल ड्राई कफ, पोस्ट वायरल सिंड्रोम बोल लीजिए, ऐसा समथिंग लाइक दैट, किसी भी वायरस के लिए, कोरोना हो या ना हो। फिर सेकेंड कारण है अस्थमा, अस्थमा, अस्थमा मतलब आपकी सांस की नलियां जो है श्रिंक कर जा रही हैं, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है और इसमें आपको क्रोनिक यानी लंबे समय तक कफ हो सकता है आपको कई हफ्तों से, कई महीनों से कफ हो रहा है, खाऊ खाऊ खाऊ, और इट कैन बी अस्थमा में प्रोडक्टिव म्यूकस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, डिपेंडिंग अपॉन ज़्यादा बलगम है, ज़्यादा अगर एलर्जी है तो ज़्यादा एलर्जी होगी तो बलगम निकलेगा, आपका शरीर का काम है, जैसी नाक से कुछ आता है, कुछ तेज खाते हो, एलर्जिक होता है तो पानी निकलने लग जाता है ना, दैट इज योर रिस्पॉन्स, एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है तो बलगम भी निकलता है, म्यूकस भी बनता है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये ज़्यादा दिक्कत जो है अस्थमा की भी अर्ली मॉर्निंग में या रात को होती है, बिकॉज द टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग में और रात को कम होता है, इसलिए वहां पर ज्यादा दिक्कत होती है एस्थमेटिक पेशेंट्स को भी। तो आपको क्या हो सकता है, सांस में आवाजें आ सकती है, वीजिंग हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, छाती में जकड़न हो सकती है, खांसी हो सकती है, अटैक आ सकता है अस्थमा का, और कभी कभी सिर्फ कुछ नहीं तो सांस छोड़ते समय सीटी की आवाज आती है, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ, समझे। और बहुत ही कॉमन, इसके बाद तो अस्थमा हो गया, वायरल इलनेस, और थर्ड मोस्ट कॉमन रीजन है GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स।
यस इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ कि आपने पेट ज्यादा भर दिया, या आपको हायाटस हर्निया है, या आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, एक पेट है, पेट के ऊपर फूड पाइप है, फूड पाइप और पेट के बीच में गेट है जिसको बोलते हैं LES, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। कायदे से वो बंद रहना चाहिए ताकि पेट नीचे चरंग 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 करके अपना खाना जो है पचाए, मगर किंतु परंतु कभी कभी ये ढीला रहता है, तो जैसे ही खाना चरने लगा वो खाना आता है स्विंग ऊपर वापस, कभी कभी मुंह तक आ जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्लक्स। तो ये होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर लैक्स होने के लिए, या फिर कभी कभी स्टमक का आधा हिस्सा ऊपर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड हायाटस हर्निया। बहुत सारे लोगों को है, मुझे भी है। सो ऐसे में ये क्या हो जाता है, ऊपर आता है एसिड, एसिड ऊपर आएगा और बिल्कुल जैसे बलगम इरिटेट करता है एसिड इरिटेट करेगा, और बार बार इसोफेजियल स्फिंक्टर से ना सिर्फ आपकी आपका इसोफेगस यानी कि फूड पाइप जलेगी, अंदर से बर्न होगी, छाती में दर्द होगा, जलन होगी, आपको रिगर्जिटेशन होगा, आपको खांसी भी आएगी, आपको गले में खाऊं खाऊं खांसी भी आएगी, बिल्कुल आएगी। दैट इज बिकॉज ये कई बार ऐसा भी लगता है कि गले में कुछ फंसा है, लंप है, कुछ है, गांठ है, क्योंकि बार बार होके क्या हो जाता है, ये जो फूड पाइप है ये हो जाती है थोड़ी सी सख्त हो जाती है, उसका म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियम ही चेंज हो जाता है, दैट इज बैरेट्स इसोफेजियस होने लग जाता है बार बार होगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम आ रही है, अब सही से उसकी मूवमेंट ही नहीं हो रही, तो खाना नीचे नहीं जा रहा सही से, दैट कैन ऑल्सो हैपन। आगे चल के ये लंबे समय में आपका कैंसर का रिस्क भी बढ़ाता है। सो इसको डील करना बहुत जरूरी है, GERD को डील करना जरूरी है। क्रोनिक सोर थ्रोट भी कर सकता है, गला खराब भी कर सकता है, गले गले की आवाज चेंज हो सकती है, माइल्ड सोरनेस हो सकता है, दैट कैन हैपन ऑल बिकॉज ऑफ एसिड आ रहा भाई, एसिड के मुंह के अंदर एसिड पी के देखो देखो क्या हाल होता है आपका। वैसे ये है भाई, एसिड गले में एसिड होता है, पेट में एसिड होता है, अच्छा खासा होता है, सो इट्स दैट। सो इसके लिए इलाज जो है मैंने GERD वाले वीडियो में बोला है, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको भाई साहब, एसिड कम करना पड़ेगा, हो सकता है आपको PPI या कोई एंटी एसिड लेना पड़े, और सबसे इंपॉर्टेंट है पेट पूरा भरना नहीं, आधा खाना खाओ, धीरे धीरे खाओ, चबा चबा के खाओ, ठीक हो जाएगा, सिंपल। बाकी डिटेल्स GERD वाले वीडियो में। फिर आती है एक और बड़ी बीमारी जो है पोस्ट नेजल ड्रिप। GERD भी मेरे को है, पोस्ट नेजल ड्रिप भी मेरे को ऐसे करते देखा ना मेरे को। पोस्ट नेजल ड्रिप का मतलब क्या है, इट हैपन्स व्हेन म्यूकस बलगम ज्यादा बनता है, ठीक है, एलर्जी के लिए, पानी कम किया, पानी के किसी भी कारण से एलर्जी के म्यूकस ज्यादा बनता है, म्यूकस जो है नाक के पीछे से ऐसा डिप डिप होके गले में टप 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 गिरता रहता है, और वो पोस्ट नेजल ड्रिप गले को इरिटेट करता रहता है होता है, रात को ज्यादा होता है, पंखे में ज्यादा होता है, ठंडी में ज्यादा होता है। सो पोस्ट नेजल ड्रिप जो है वो कोरोना नहीं है, खाऊं खाऊं कोरोना नहीं है, मुझे कोरोना नहीं है। पोस्ट नेजल ड्रिप जो है टिपिकली आपको बिकॉज आपकी बॉडी जो है नॉर्मली म्यूकस ज्यादा बना रही है, यू माइट बी एलर्जिक, यू माइट बी जस्ट जेनेटिकली आपकी बॉडी ज्यादा बना रही है, आपको कोल्ड एलर्जी हो सकती है, ये सारे कारण हो सकते हैं, उसके भी इलाज है। उसके वजह से हो सकता है आपका पोस्ट नेजल ड्रिप जो है, कभी आपका गला खराब हो, सोर थ्रोट हो, तब पोस्ट नेजल ड्रिप हो रहा है, हो सकता है आपको रनिंग नोज भी हो रहा है, सर्दी है, तब भी पोस्ट नेजल ड्रिप हो सकता है, बर आपको लंप फील हो सकता है, गले में अले स्वालिंग प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये सारे कारणों से आपको हो सकती है खांसी एट नाइट ज्यादा। इसके अलावा हो सकता है आप कुछ दवा ले रहे हैं, जैसे कि ACE इनहिबिटर्स नाम की ब्लड प्रेशर की दवा, कार्डेस, एनालेप्रिल, ऐसी दवाई से, रेमिप्रिल, इन दवाओं से ड्राई कफ होता है और रात को ज्यादा होता है, इसका साइड इफेक्ट है, सबको नहीं होता, कुछ लोगों को, तो आपको हो रहा है तो अपने दवा बदलने के लिए अपने डॉक्टर से बात करो। फिर आपको अगर दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वूपिंग कफ हो सकता है, एनवायरमेंटल इरिटेंट हो सकते हैं, सब्जी बन रही है, तड़का मार रहे हैं, तब खांसी हो रही है, और सर मेरे को दवाई दे दो, अरे भैया उसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ, पागल मत बनो, ठीक है। बट फिर भी वट कैन यू डू एट होम, यू कैन डू समथिंग एट होम, समथिंग में क्या क्या कर सकते हो, देर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन डू। हाउ टू टैकल ड्राई कफ एट होम, पहला चीज बहुत सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी चीज है आपका हनी, रेस्ट, अवॉइड इरिटेंट्स, और कोई ना कोई ह्यूमिडिफायर लो, स्टीम ले लो, स्टीम क्या करेगी, मॉइस्ट रखेगी, मेंथॉल कफ सिरप कफ ड्रॉप ले सकते हो, लोजेंजल्स ले सकते हो, स्ट्रेप्सिल्स ले सकते हो, उसमें स्वॉलिन ले सकते हो, मुलेठी गले में रख सकते हो, वो सब गले को सूद करेगा, बीच बीच में पानी पी सकते हो, पानी पीते रहोगे, ज्यादा पानी पियोगे गले को सूद करेगा, ह्यूमिडिफायर यानी कि या तो कमरे को ह्यूमिडिफाई कर लो या फिर भाप ले लो, दोज आर अ गुड थिंग। बाकी रेस्ट करो, रेस्ट कैन ऑल्सो रिलैक्स योर सेल्फ, कई बार हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं तब भी दिक्कत होता है, थोड़ा सा अपना एंगल बॉडी का बढ़ा दो, बॉडी का जो मुंह है सीधा लेटने की जगह थोड़ा ऊपर कर लो 30 to 45 डिग्री, उससे भी फर्क पड़ जाता है। कोई भी आपको लग रहा है डस्ट है, इरिटेंट है, उससे
अवॉइड करो, पेट को पूरा भरने मत दो, लाइक आई सेड जीईआरडी के लिए हनी इज वेरी गुड नेचुरल कफ सप्रेसेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, स्टडीज में भी अच्छा पाया गया है, तो उसको ले सकते हो। वैसे ही हनी टस ले सकते हो, प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है, अगर जीईआरडी है तो फिर डॉक्टर से बात करके दवाई ले सकते हो, उसमें कई सारे आती है दवाई, उसके अलग अलग टाइप से उसको ठीक करने की कोशिश होती है। और अगर ज़्यादा हो रहा है तो डीकंजेस्टेंट ले सकते हो, बहुत ज़्यादा ड्राई कफ हो रहा है तो डीकंजेस्टेंट नेजल ओरल मेडिकेशंस दवाइयाँ, बलगम को पतली करने की दवाइयाँ आती हैं राइट, एम्ब्रोक्सोल म्यूकोलाइट जैसी, या फिर मान लो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की दवाइयाँ आती हैं म्यूसिनैक ऐसी वैसी, ये वो आपके कफ सप्रेसेंट्स एक्सपेक्टोरेंट्स, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ये डॉक्टर को डिसाइड करने दो कि भाई आपको क्या करना है। मगर अगर आपको लग रहा है कि भैया ये सिर्फ ड्राई कफ नहीं है, मेरे को छाती में दर्द भी है, तो चेक करवाना चाहिए, हार्ट अटैक हो सकता है, आपको बुखार भी है तो निमोनिया हो सकता है, आप ब्लड कफ कर रहे हो, खांसी में बलगम आ रही, बलगम में ब्लड आ रहा है, टीबी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होते जा रहा है, होते जा रहा होता है 5 किलो 10 किलो एक महीने में, एक दो हफ्ते में, कैंसर हो सकता है और सांस फूल रहा है, तो ये सब हो सकता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, सो मेक श्योर कि अपने डॉक्टर से टच में रहो, बात करो कि मुझे ये हो रहा है, दूसरी चीज़ों को ध्यान में रखो, मुझे ये भी हो रहा है, मुझे वो भी हो रहा है, तो मैं क्या करूँ राइट, खुद के डॉक्टर बनो मत, है कि नहीं, आपको आधा पता है, आधी जानकारी हार्मफुल होती है, किसी ना किसी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट में ज़रूर रहिए, और दवाई डॉक्टर से पूछ के लीजिए, अपने होम रेमेडीज़ कर सकते हो एक हद तक, एक लिमिट तक राइट। कोविड है कि नहीं, कोरोना है कि नहीं, उसमें इतना दिमाग मत दौड़ो, अपना जितना कोविड में हमने बता रखा है, सैचुरेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर अपना, ये सब चीज़ें मॉनिटर करते रहो, बीपी, हार्ट रेट, अगर इसमें गड़बड़ लग रही है तो फिर डॉक्टर से बात करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। भैया ये शेयर करो, किसी ना किसी की जिज्ञासा कम होगी, किसी ना किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, किसी ना किसी की मदद होगी, करिए मदद। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।